निकाली जा रही है, धम्म यात्रा है, जाति छोड़ो समाज जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो वहीं आज जाति छोड़ो समाज जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। धम्म से बौद्ध लोगों को और बौद्धिस्ट बनाया जा रहा है, लोगों को जाति छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो सर, ये यात्रा जो निकाली जा रही है कहाँ से शुरुआत करते हुए कहाँ खत्म होगी? ये यात्रा सीमापुरी मदर डेयरी से शुरू की गई है और इसको जाके हम नंद नगरी के बुद्ध विहार पे खत्म करेंगे। और इस यात्रा का सीधा एक पर्पज है कि हमारी जो बौद्धमय भारत था पहले, हम उसी विरासत में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी जातियां क्या हैं, जातियां एक समाज को तोड़ने का एक हिस्सा है। सिर्फ जातियां, जातियों का मतलब है समाज के टुकड़े टुकड़े। हम अपने समाज को एकत्र करने का जो काम कर रहे हैं वो मिशन जय भीम के माध्यम से कर रहे हैं। और हम सिर्फ और कुछ नहीं, बस सिर्फ अपनी विरासत में वापस जाने। क्योंकि सम्राट अशोक के टाइम में पूरा का पूरा भारत बौद्धमय था, उसी कड़ी में ये प्रोग्राम है जो कि आगे बढ़ रहा है इस तरीके से कारवा। और ये पूरा का पूरा जो हमारा धम्म या रथ है ये पूरे भारत में, अभी हम दिल्ली का भ्रमण कर रहे हैं, धीरे धीरे ये पूरे भारत की यात्रा करेगा। भारत में होगा जी, पूरे भारत में की जाएगी जी, पूरी भारत में जाएगी। और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म की यही पहचान, मानव मानव एक समान। अच्छा, महिलाएं भी हमारे साथ, तो कहां से आई आंटी जी? मैं सीमापुरी, सीमापुरी से, लेप्रोसी कॉलोनी से। अच्छा, तो अभी आप इस यात्रा में जुड़ी है, कितना आपको प्रभावशाली लग रहा है? बहुत प्रभावशाली लग रहा है, मुझे लग रहा है ये जो जाति के नाम से मारकाट हो रही है, अपने धर्म के नाम से लोग दंगे फसाद फैला रहे हैं, ये मुहिम जो हमने चालू करी है बौद्ध धर्म की, इसमें जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। अब मुझे लगता है मानो मानो एक समान का जो ये बौद्ध धर्म का हमारा मिशन है वो सच में एक दिन पूरे हिंदुस्तान को एक करेगा। कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रहेगा, आपस में भाईचारा रहेगा। जो ये रोज की मारकाट लड़ाई दंगे हो रहे वो जहाँ तक उम्मीद है कि बंद हो जाएगी, यही कोशिश है। आंटी, आप कितना पढ़ी लिखी है? मैं तो ज्यादा नहीं हूँ, 8वीं 9वीं तक ही हूँ। 8वीं 9वीं पढ़ी है, हाँ। तो ऐसे ही आगे अपने बच्चों को भी पढ़ा के शिक्षा देंगी? मैं सोच रही हूँ, मेरे बच्चे, मुझे वो मौका नहीं मिला पढ़ने का, क्योंकि कुछ समाज का डर था, कुछ दबाव रहता है महिलाओं के प्रति समाज में, हर उसमें। देख पा रही हूँ जितना घरेलू आप है उतने ही बुद्ध के विचारों से आप बहुत प्रेरित है। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा भगवान बुद्ध की वो सुनकर। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जो हमारे देश में जो अलग अलग जाति धर्म बटे हुए हैं वो सब मिलकर सिर्फ एक भाईचारा रहे, एक समाज रहे, एक ही जात रहे, वो रहे मानव जाति, बस ये। अभी अभी और भी महिला, क्या नाम है आपका? मेरा नाम, गला बैठा हुआ है इनका, गला बैठा हुआ है क्योंकि रैली में निकलते हुए इन्होंने काफी नारे लगाए तो गला भी बैठा हुआ है। क्या नाम है आपका? सायमा नाम है मेरा। सायमा, आप भी जुड़ी है बौद्ध धर्म से? मैं भी जुड़ी। नाम का प्रभाव पड़ता है, आपको मालूम है ना, सायमा नाम है आपका। चलते चलते बात करते हैं क्योंकि रैली हमारी चल रही है। कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ने वाला है लोगों। कितना पढ़ी लिखी है? क्योंकि मैं ज्यादा नहीं हूँ, मैं भी 7th क्लास पढ़ी हुई हूँ। आगे चाहती हूँ अपने भविष्य में बच्चों को भी आगे, हाँ अपने बच्चों को तो आगे पहुँचाना चाहती हूँ, अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा देना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा करना चाहती हूँ। शिक्षा तो सभी लोग देते हैं लेकिन बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित करना ये बहुत बड़ा काम है। बहुत अच्छा काम है, ये भी बहुत अच्छा काम है। ये जो राज गौतम जी ने जो चलाई रैली है बहुत अच्छा काम किया है। ये हिंदू मुसलमान जो दिलों में भेदभाव है ये भेदभाव खत्म करने के लिए करा है। तो हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर भाई भाई, कोई अलग नहीं है, कोई वो नहीं है, सब एक है। ऊपर से सब एक ही है, ये जात धर्म तो नीचे आके बने, ऊपर से सारे एक है। तो अभी जिस तरीके से यहाँ पर जो रैली निकल रही है, ये बस सामने आप देख सकते हैं, बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, बुद्ध धम्म रथ यात्रा निकाली जा रही है और लगातार जाति छोड़ो समाज जोड़ो की बात की जा रही है, मिशन जय भीम चलाया जा रहा है। इस मिशन में सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी शामिल है और सारे महिलाएं लगातार इतनी जागृत है कि इस रैली को कवर करते हुए जो है पूरी दिल्ली में ये लोग पहुंच रहे हैं। अब इनकी जो यात्रा है वो पहुंचेगी नंद नगरी बुद्ध विहार। तो अभी और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुषों को तो हम अक्सर देखते हैं कि रैलियों में होते हैं लेकिन महिलाएं, सोचिए महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं। तो क्या नाम है, क्या नाम है आपका? सुधा, मेरा नाम सुधा मखवाना। अच्छा,
तो सुधा जी ये बताइए कि इस रथ यात्रा में आने का क्या मकसद है? मैडम जागरूकता दिखानी है, हमें एक होना है और हमें और बुद्ध धर्म पे ही जाना है। एक होने की बात की जा रही है, लगातार एकता की बात की जा रही है। जिस तरीके से हमारे देश को तोड़ने का काम कुछ अराजक तत्व कर रहे हैं, वहीं बुद्ध धर्म से जोड़ने की ये यात्रा और रथ यात्रा निकाली जा रही है। सामने आप देख सकते हैं बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है लोगों को, और ये 2025 तक ये यात्रा चलेगी ऐसा मंत्री जी ने बताया है। और लगातार जाति छोड़ो समाज जोड़ो की बात की जा रही है, लगातार समाज को जोड़ने की बात की जा रही है। ये यात्रा अभी यहाँ से सीमापुरी से चलते चलते बुद्ध विहार जो है वहाँ पर जाके समाप्त होगी, नंद नगरी बुद्ध विहार पर। अब ये यात्रा जो है पूरी रोड पे चलती हुई जा रही है, आप सामने देख सकते हैं ये रथ जो ये निकलता हुआ जा रहा है बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म का ये रास्ता दिखाता हुआ जा रहा है ये रथ, जो लोगों को जागृत कर रहा है और क्रांति पैदा करेगा और लोग अपने समाज की बात को और हित को रख पाएंगे, ताकि लोग जागृत होंगे। जिस तरीके से अत्याचार बढ़ता जा रहा है दलितों के साथ, बहुजन समाज हमारा पिछड़ता जा रहा है, वहीं जो महिलाओं को शिक्षा नहीं मिल पाती है, आज समाज जागृत हो रहा है और लगातार इस ऐसा प्रेरित काम कर रहा है कि लोग इससे जागे। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, नंद नगरी दिल्ली।